कहानी बहुत ही ज्यादा अलग है एक ऐसे प्यार की जो कि अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असल जिंदगी की एक ऐसी कहानी की जो कि बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस से जुड़ी हुई है जिसने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है, 11 साल के रिश्ते को खत्म कर दिया। जी हाँ, 5 साल पहले जिस शख्स के साथ दिया मिर्जा ने शादी कर दी, उस शख्स को अपनी जिंदगी से बाहर करने के लिए दिया मिर्जा तैयार हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिया और साहिल के रिश्ते को तलाक तक पहुंचने में क्यों देर नहीं लगी अब, और इस बारे में दिया ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर लिया। हम आपको बताना चाहेंगे दोनों एक दूसरे से जुदा होकर खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिया और साहिल का रिश्ता बेहद अनोखा था ये सभी जानते हैं। इस बारे में इंस्टाग्राम द्वारा दिया ने सबके बीच खुलासा किया है कि 11 साल साथ रहने के बाद हमने आपस में फैसला लिया है कि हम एक दूसरे से अब दूर रहेंगे, एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे, दोनों को आपस में आदर और सम्मान भी देंगे। हमारा सफ़र हमें अलग अलग दिशाओं में लेकर जाएगा। हमने जो रिश्ता शेयर किया उसके लिए हम हमेशा एक दूसरे को आभारी रहेंगे। हमारे परिवार, दोस्तों को उनके प्यार और साथ में मीडिया को उनके सपोर्ट के लिए थैंक यू कहना चाहेंगे। सबसे विनती है कि हमें हमारा समय दे, इस मामले में आगे कुछ और नहीं कहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि दिया ने यह कहकर उनके साथ तलाक का फैसला तो ले लिया, लेकिन साल 2014 में हुई शादी से हर कोई खुश था इनके रिश्ते से। 8 अक्टूबर साल 1914 में साहिल से उन्होंने शादी रचाई, जिसके बाद ये दोनों बिजनेस पार्टनर बने। ये दोनों आज भी बिजनेस पार्टनर हैं और एक दूसरे के साथ काम करके काफ़ी खुश हैं। हालांकि कुछ मनमुटाव की वजह से इन्होंने फैसला लिया है अलग रहने का, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से आज भी लगता है बेपनाह प्यार करते हैं। दिया और साहिल की शादी आर्य समाज की रीतियों से दिल्ली में हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि हैदराबादी पारंपरिक रिश्ते में बंध के ये दोनों शादी के बंधन में जब बंधे थे तो ये काफ़ी खुश थे और हर इवेंट फंक्शन में ये साथ में ही पहुँचते थे। बताते चले आपको, दिया मिर्जा की शादी साहिल से जब हुई थी तो बॉलीवुड से भी कोसों दूर हो गई थी, जिसके बाद फिल्म संजू के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक किया और वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।